तो हेलो, कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, क्या आप लोगों को याद है कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग इम्पॉसिबल चैलेंज की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उस सीरीज को हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट किया नहीं है। लेकिन इस संडे को पहला एपिसोड आने वाला है हमारे इम्पॉसिबल चैलेंज सीरीज का। एंड ये सीरीज जो होने वाली है वो हम लोग किसी और के साथ नहीं बल्कि आप लोगों के साथ करेंगे। वेट अ मिनट गाइस, इसमें भी एक ट्विस्ट है। आप लोग जो मुझे चैलेंज दोगे वो आप लोगों को मुझे मैसेज सेंड नहीं करना है, टाइप नहीं करना है, आप लोगों को मुझे वीडियो सेंड करनी है जिसमें आप लोग मुझे अपना चैलेंज दोगे। एंड मैं वही चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला हूँ जिसमें कि बंदा अपने फेस के साथ मुझे चैलेंज देगा। एंड फिर आप लोगों को वो वीडियो मुझे सेंड करनी है मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाओ यार फटाफट से अपना वीडियो सेंड करो। फिलहाल गाइज हम लोग ना अपने वीडियो की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो जैसा कि आप लोगों को पता है न्यू अपडेट आ चुका है एंड इसी के साथ अपने को न्यू सीख मशीन भी मिली है जिसका नाम है लॉग लॉन्चर। आज हम लोग उसको अनलॉक करने वाले हैं हैमरो बिल्डिंग के साथ। एक हैमर हम लोग यहाँ पे परचेज कर लेते हैं एंड हम लोग यहाँ पे हैमरो स्पेल एंड हैमरो फीरोज नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर लगा है कूल डाउन। एंड अगर हम लोग यहाँ पे लेबोरेटरी की बात करें तो लेबोरेटरी में हम लोग ने यहाँ पे इनविजिबल स्पेल को अपग्रेड के ऊपर लगा रखा है, लेवल 2 के लिए लगा रखा है। उसके बाद लॉग लॉन्चर को भी लगाना है जिसको हम लोग अभी अनलॉक करने वाले हैं। एंड हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैमर को 1 2 3 बूम। ओके भाई, लॉग लॉन्चर यहाँ पे अनलॉक हो चुका है लेकिन हम लोग इसको भी यूज करेंगे नहीं क्योंकि भाई अभी तक मैंने इसको यूज किया नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे यूज करना है। फिर भी हम लोग इसको ट्रेन करके रख लेते हैं, शायद काम आ जाएगा, किसी अपने जैसे गरीब को डोनेट कर देंगे और कर ही क्या सकते हैं हम लोग। फिलहाल गाइस कुछ देर के बाद हमारी वो स्टार्ट होने वाली है, वहां पे अपने को अटैक करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कर लो भाई, प्लीज सब्सक्राइब करो यार। 100 के हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक है। अगर आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करोगे फटाफट से हमारे 100 के हो जाएंगे। एंड बेल आइकन दबाओ, लाइक एम करते हैं हम लोग 3000 लाइक्स के लिए। फटाफट से लाइक कर देना, कमेंट कर देना क्योंकि कमेंट करोगे तभी दुबई का चैनल चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, वॉर हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है एंड हम लोग अटैक करने वाले हैं नंबर 2 के ऊपर। प्लानिंग हम लोग ने यहाँ पे कर रखी है लेकिन प्लानिंग में आप लोगों को समझाऊंगा नहीं, डायरेक्टली आप लोगों को एक्शन दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, स्नीकी गोब्लिंस है हमारे पास। सो हम लोग यहाँ पे सुपर वॉर ब्रेकर। ओके सही जा रहा, यहाँ पे आ जाएगी क्वीन, एक कोकोलून हिलर्स एंड भाई रानी हमारी सही जाएगी ना, इसका सही जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके सही जा रही है, टाउन हॉल ही चाहिए अपने को एंड सीसी भी अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइजन, कम ऑन क्वीन, मरने का नहीं इतनी जल्दी। ओके हेड एंटर्स तो गए यहाँ पे, लेकिन और क्या है भाई सीसी में, शायद लावा हुंड है। ओके भाई लावा हुंड ही था जैसे मुझे लगा था। एंड अभी हमारी क्वीन को दिक्कत आने वाली है, एक और रेज अपने को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यहाँ पे मिनियन, नहीं 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 क्वीन मरना नहीं, यहाँ पे एक सुपर वॉर ब्रेकर। ओके सही जा रहा, ओके सही है भाई, यहाँ पे फ्रीज डालनी पड़ेगी वरना क्वीन की एबिलिटी जाएगी। यहाँ पे किंग सीख बैरक्स, एक और रेज एंड यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे माइनर्स, वार्डन, हॉग राइडर्स एंड रॉयल चैंपियन। पहली हील, ओ भाई साहब जायंट बॉम ही जायंट बॉम लगा रखे हैं इस बंदे ने। क्वीन की एबिलिटी, वार्डन एबिलिटी, कम ऑन यहाँ पे एक और सुपर वॉर ब्रेकर ताकि किंग हमारा अंदर की तरफ चला जाए। एंड यहाँ पे आ जाएगी लास्ट वाली हीलिंग स्पेल, एक फ्रीज बची है हमारे पास जिससे हम लोग फ्रीज कर देंगे ईगल को। ओके यहाँ पे लून्स, भाई क्वीन के पीछे से हीलर्स गायब हो चुकी हैं लेकिन अच्छी बात ये है हमारे पास अभी भी रॉयल चैंपियन की एबिलिटी बची है। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर देते हैं रॉयल चैंपियन की एबिलिटी एंड ये आर्चर टावर भी गया। यहाँ पे हम लोग क्लीन अप डाल देते हैं ताकि टाइम का इशू ना हो, वैसे टाइम हमारे पास काफ़ी है। एंड इस अटैक को हम लोग ने निकाले यहाँ पे 3 स्टार। सो गाइज इस क्लैन के साथ हमारी ये पहली वॉर थी, ये 5v5 थी। अभी हम लोग इस क्लैन के साथ एक और वॉर खेलने वाले हैं
10v10 एंड वहां पे भी अपने को एक अटैक करना है एंड देखते हैं वहां पे हम लोग त्रिशल निकाल पाएंगे क्या। अगर वहां भी त्रिशल निकल जाता है तो भाई आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना भाई, सब्सक्राइब करना है तो करना है। सो ओके गाइस, अभी हमारे सेकंड वॉर यहां पे स्टार्ट हो चुकी है। ये वॉर है 10v10 एंड इस वॉर में हम लोग यूज करने वाले हैं सुपर विजार्ड्स को। हम लोग अटैक करने वाले हैं नंबर वन के ऊपर। वैसे हम लोग ने जिस बेस के ऊपर त्रिशल निकाला था उस बेस के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, इजिली त्रिशा निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, इस बार अपने को अलग बेस के ऊपर अटैक करना है। एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्वीन चार्ज स्टार्ट करेंगे। टाउन हॉल एंड इन्फर्नो टावर के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लिंप यूज करने वाले हैं एंड ब्लिंप के अंदर होंगे येटी। रेज कर देंगे तो आसानी से डाउन हो जाएगा, सीसी निकल जाएगा, क्वीन सीसी को डाउन कर देगी। उसके बाद इस तरफ से किंग डालेंगे, पीछे से विचेस आ जाएंगी जो कि फन बनाती रहेंगी। एंड यहाँ पे वॉल ब्रेक करनी है अपने को एंड अपने को सारे के सारे येटीज एंड सुपर विजार्ड्स घुसा देने हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे हम लोग जंप स्पेल डालेंगे एंड मेनली शायद इस तरफ से हम लोग अपनी रॉयल चैंपियन को डाल सकते हैं। सो गाइज, ये हमारी प्लानिंग है, देखते हैं भाई कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं। अगर कामयाब हो जाती है तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है एंड अगर नहीं होती है तो भाई मत करना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके गाइज, चलते हैं अभी हम लोग, लेट्स गो। ओके, सबसे पहले डालेंगे हम लोग अपनी क्वीन को यहाँ पे क्वीन, हीलर्स, वार्डन, ओके, यहाँ पे कोकोलून और एंड यहाँ पे आ जाएगा बैटबलिम। एंड अभी अपने को रेज डालिए यहाँ पे, चलो भाई। ओहो, सीसी से यहाँ पे सुपर मिनियंस निकले हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे पॉइजन एंड रेज, क्वीन डाउन नहीं होनी चाहिए। ओ भाई साहब, क्वीन डाउन होगी यार यहाँ पे किंग आ जाएगा, पीछे से विचिस। भाई जिस बात का डर था वही हो गया। यहाँ पे सुपर वॉल ब्रेकर, अरे भाई साहब ये पागल किस तरफ जा रहा है। चलो सही है, यहाँ पे आइस गोलम, येटीज, सुपर विजार्ड्स, चलो चलो चलो, यहाँ पे एक और सुपर वॉल ब्रेकर करेंगे हम लोग। यहाँ पे रेज, यहाँ पे जंप, वार्डन की एबिलिटी, कम ऑन सुपर विजार्ड्स, यहाँ पे एक और रेज। एंड रॉयल चैंपियन को किस तरफ से डालें, कहाँ से डालूं यार, उस तरफ से तो नहीं डाल सकते, इस तरफ से डालते हैं। यहाँ पे आ जाएगी पीछे एक विजार्ड एंड एक फ्रीज को हम लोग क्या करें भाई, इसको बचा के रखते हैं अभी हम लोग, काम आएगी अपने। टाइम का भी अपने को यार ध्यान रखना है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम है अभी हमारे पास, लेकिन बेस भी यहाँ पे बहुत सारा बचा हुआ है। आइस गोलम आगे हो जा भाई रॉयल चैंपियन के, अरे यार ये आइस गोलम बहुत ज़्यादा स्लो है एंड रॉयल चैंपियन यहाँ पे शॉट खा रही है आगे जाके। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी, ओके, यहाँ पे फ्रीज, मल्टी चाहिए भाई अपने को रॉयल चैंपियन की मदद से। चलो 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 भाई, टाइम भी यार बहुत कम है, येटीज तो हमारे पास पांचों के पांचों बचे हुए हैं लेकिन टाइम ही नहीं बचा भाई। क्या लगता है भाई ये अटैक होगा 3-4? कम ऑन, यहां पे आर्चर 93 97 एंड ओके भाई, ओके 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 ओके, मुझे पता लग चुका है ये अटैक 3-star निकलने वाला है। एंड इसी बात पे आप लोग अभी सब्सक्राइब करने वाले हो, अगर नहीं कर रखा तो कर लो यार। फिलहाल गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।